आज के मेहमान हैं प्रकाश गाबा जी। प्रकाश सर के पास सीधे चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ठहरे हैं, सुस्ता रहे हैं, ब्रीदर ले रहे हैं, क्या हो रहा है सर? या एक्चुअली यस, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग टू यू। निफ्टी में ऐसी जगह पर ट्रेड हुआ है कि यहां पर एक सपोर्ट जोन है। आज का जो लो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर यहां संभल जाता है तो अच्छा है, संभलने की जगह अच्छी है, लेकिन उसके लक्षण अब तक है नहीं। वो लक्षण कब मिलेंगे, समझ लेंगे। मेरे ख्याल से निफ्टी फ्यूचर की बात करता हूं, उसका लेवल है करीब 22,120। जब इसके पार करना चला जाएगा तो फिर कह सकते हैं कप मूव मिलना चाहिए, फिर वो ले जा सकता है करीब 22,165 के करीब। तो पॉसिबल है कि कप मूव मिले, लक्षण तो दिखने चाहिए, लेकिन सपोर्ट जोन बढ़िया है निफ्टी का। बैंक निफ्टी थोड़ा डिप है, थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेच हो चुका। यहां से बाउंस मिल सकता है, रिएक्टिव बाउंस, वो ओनली ट्रेडिंग बाउंस होगा, लेकिन स्ट्रक्चरली थोड़ा वीक है बैंक निफ्टी। स्ट्रक्चरली वीक है बैंक निफ्टी यहाँ पे, और कई सारे स्टॉक्स हैं जो आज काफ़ी ऊपर नीचे हुए करते हुए देखने को मिल रहे हैं। गबा सर, एक स्टॉक पे आपकी राय, फिर आगे हम लोग लेते सवाल जवाब। जेके सीमेंट 4,515, लगभग 3% ऊपर, अब ये कैसा लग रहा है? जेके सीमेंट में चार्ट निकाल लेता हूँ। जेके सीमेंट आज सुबह अच्छा तो लग रहा था, जेके सीमेंट अर्ली मॉर्निंग में ट्रेड कर रहा है 4,515। मेरे ख्याल से 4,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, थोड़ा वक्त दीजिए। 4,800 भी पॉसिबल है जेके सीमेंट, तो यस अप मूव इज ऑन जेके सीमेंट। 4,800 पॉसिबल है इसमें। चलिए अब सवाल जवाब लेते हैं। गौरव माहेश्वरी ब्यावर राजस्थान से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। हाँ जी नमस्कार जी। गौरव दोबारा से पूछिए जरा एक बार ये। संदूर मैग्नीज, गावा सर संदूर मैग्नीज 250 पे लिए, 1,500 अब ट्रेड कर रहा है 437 संदूर मैग्नीज। हाँ जी, चार्ट स्ट्रक्चर तो ठीक है, सपोर्ट जोन के आसपास है, मतलब 350 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बाउंस मिले तो अच्छा है, लेकिन स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, थोड़ा डिप पॉसिबल है, लेकिन तो यस इट्स अ होल्ड। ओके, होल्ड करके चलिए संदूर मैग्नीज को। अगला सवाल है वसंत का, पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वसंत जी नमस्कार, पूछिए सर। नमस्कार। मेरे पास वेदांत का 100 शेयर्स है, 295 रेट से 22 में लिया हुआ है, और उसमें कुछ उछाल नहीं है, कुछ नहीं, तो क्या करना है अभी, इसको रखना है या बेचना? क्या सर वेदांत में कोई उछाल नहीं आ रहा है, नुकसान हो रहा है? वेदांत की बात करें आप? हाँ वेदांत के मैं चार्ट निकाल लेता हूँ। पर वेदांत बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है, थोड़ा डिप पॉसिबल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 260 के आसपास है, तो यस कंटिन्यू होल्डिंग है। ओके, वेदांत को भी होल्ड करिए, चार्ट में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है तो बने रहिए इसमें वसंत जी। अगला सवाल है दीपचंद यादव का, जौनपुर उत्तर प्रदेश से। दीपचंद जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर जी, बताओ भैया। सर मैं हिंडाल्को के सर 220 में कुछ शेयर ले रखे हैं, तो थोड़ा सा उसका कुछ अपडेट चाहता हूं सर, कि इसको होल्ड रखा जाए सर या सेल आउट किया जाए? फायदा तो अच्छा हो रहा है आपको। नीचे जा सकता है सर, तो कहां तक जा सकता है? ओके गावा सर, क्या हिंडाल्को नीचे जा सकता है? अभी 507 पे ट्रेड हो रहा है हिंडाल्को, क्या ये नीचे जा सकता है? वेल सपोर्ट जोन के आसपास है 500, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, थोड़ा वीक स्ट्रक्चर है, लेकिन 500 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है करीब 2 हफ्ते से यहीं पर रुका हुआ है, तो यहां से परफेक्ट है कि यहां से एक अपमूव मिलना चाहिए, जगह अच्छी है, लेकिन मिला नहीं। कंफर्मेशन होगा जब 525 पार कर लेगा, फिर एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अपमूव मिलेगा। क्या इसकी संभावना है कि 500 तोड़ दे सर? संभावना तो है, संभावना है, क्योंकि ट्रेड कर रहा है साइडवेज, अगर ब्रीच करे तो एक ही ट्रेड लगता है तोड़ने का, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है इतना कह सकते हैं। ओके तो यादव जी 500 तोड़ सकता है भाई? अभी बीच में खबर आई थी इनकी सब्सिडरी में बहुत खर्चा हो रहा था, तो उसका असर इनके ऊपर देखने को मिला, तो वीक स्ट्रक्चर। अभी थोड़ी देर पहले केडिया जी आए थे सुशील, वो भी कह रहे थे कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, तो आप ध्यान रखिए। गवा सर कोई स्टॉप लॉस दें कि उसके नीचे जाए तुरंत बेच दें? 500 पे चल रहा है, 500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, थोड़ा निकल जाओ।
500 पे स्टॉप लॉस लगाइए दीपचंद जी, अगर वो तोड़ता तो आप इसमें से निकल जाए, चूँकि आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं तो आपके लिए तब भी ये फ़ायदे का सौदा रहेगा। उससे नीचे का इंतज़ार मत करिएगा, दोबारा मौका मिलेगा फिर एंट्री ले लीजिएगा। ये स्थिति बनती हुई दिख रही है। चलिए और कुछ सवाल लेते हैं गावा जी से। गावा सर, NMDC आज टॉप लूज़र में से एक है, लगभग 3% नीचे 228 पे चल रहा है और ये स्टॉक लगातार नरम बना हुआ है, कमज़ोरी है इसमें, क्या लग रहा है अभी 228 के आसपास ये है? वीक है, थोड़ा सेलिंग है अपर प्रेशर में NMDC में, पॉसिबल आप ट्रेड करें 228 के आसपास, थोड़ा लो लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर काफी दौड़ा है, सुस्ती है थोड़ी, लो लेवल की 210 भी पॉसिबल है, लेकिन है भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर है NMDC में। ओके, चलिए एक और सवाल लेते हैं मोहम्मद जावेद चंद्रपुर महाराष्ट्र से, बताइए मोहम्मद जावेद। हेलो, हाँ सवाल पूछिए। सर, IRFC के 5000 शेयर है 154 के रेट पे। 154 IRFC के 5000, गावा सर IRFC 5000 शेयर 154 पर होल्ड करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए, 154-155 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्टिव मोड पे था, लेकिन मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, 200 के जोन है वो जा सकते हैं। जावेद, लॉन्ग टर्म के लिए रुकना है इसमें ना? जी सर, जी रुकना है। हाँ तभी है, क्योंकि आपका भाव टू भाव चल रहा है एकदम। जी सर, अगर लंबा नजरिया है जी जी तो इसमें रुकना पड़ेगा आपको। ओके, अगला सवाल है सुधीर शर्मा का नागपुर से। सुधीर जी नमस्कार। सर नमस्कार सर, मेरे पास MRPL के 2000 शेयर है, 91 से लिया हुआ है, तो इसको रखें या फिर आपको क्या राय रहेगा सर? मैं पूछ लेता हूँ गावा जी से। गावा सर 91 पे लिया था और दुगने से ज्यादा फायदा है, डबल से ज्यादा हो गया। हाँ डबल ज्यादा हो गया गावा सर। अच्छा पहले MRPL बताइए। हाँ देखिए, MRPL का बेसिकली ना डबल होता है तो कम से कम 50% तो निकाल देना चाहिए, फिर कंटिन्यू होल्डिंग, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़ा करेक्टिव मोड आ सकता है, साइडवेज जोन, लेकिन 200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मुझे नहीं लगता 200 ब्रेक करेगा। आपका नजरिया क्या है मुझे पता नहीं, अगर लॉन्ग टर्म का है तो कंटिन्यू होल्डिंग, घबराने की बात क्या है? 91 से अगर यहाँ तक आए तो लॉन्ग टर्म होगा। क्यों शर्मा जी, लॉन्ग टर्म है ना? हाँ सर, 5 ईयर्स कम से कम। कम से कम 5 ईयर्स, तो फिर तो सोचना भी नहीं चाहिए, नेक्स्ट ईयर पूछ लीजिएगा, अगले साल पूछेगा, इस साल तो आप रख रही है। गावा सर एक ये जो MRPL से मुझे याद आया, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है जो हमारे ट्विटर पे भी लिखते रहते हैं, कि जैसे इन्हीं का केस था कि 90 पे लिया पौने 300 हो गया, या किसी ने चेन्नई पेट्रोलियम 400-500 पे लिया वो 1000 रुपये हो गया, ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स हैं जहाँ पे लेने के बाद 2-3 गुना इस तरह से स्टॉक हो चुके, प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अब क्या उनको पूरी पोजीशन जीरो कर देनी चाहिए और थोड़ा कैश में बैठना चाहिए, या आधा बेच के कैश में बैठना चाहिए? क्योंकि मन में एक डर तो आता ही है कि 4-5 गुना हो गया है तो क्या करना चाहिए? देखिए बुल ट्रेंड तो स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज तो हुआ नहीं, तो बेचने की वजह होनी चाहिए। हाँ पैसे की जरूरत हो तो फिर जब चाहे बेचो, अगर पैसे की जरूरत नहीं और बुल ट्रेंड इंटैक्ट है तो बेचने की जरूरत है। हाँ अगर आपको डर लगता है, प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए आहिस्ता आहिस्ता, जब डबल होता है तो कम से कम आधा निकाल दीजिए, फिर डबल होता है तो फिर आधा निकालिए, ये एक स्ट्रेटेजी बन सकती है। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी तो नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम आपको मन में दुख नहीं होगा। हाँ ये तो थोड़ा थोड़ा बेचते रहना चाहिए। बंगलुरु से ज्ञान बोहरा हमारे साथ जुड़े हैं और इनका सवाल लेते हैं। ज्ञान जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते सर, एक्चुअली मेरे पास एक गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के 25 शेयर हैं, 748 में लिया हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि करेंट रेट में होल्ड भी कर सकता हूँ और भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इसी शेयर में, तो कर सकता हूँ क्या? ओके गावा सर, दो सवाल हैं इनके। एक तो जिन्होंने ले रखा है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया स्टॉक, इसी शेयर में और करेंट प्राइस पे इन्वेस्ट किया जा सकता है क्या? 750 में करना चाहिए एड अगर आता है तो। नीचे मैंने कहा कि 750 आएगा, लेकिन 750 के आसपास गार्डन रिच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपडेट करें 817 तो वहां पर ऐड कर सकते हैं, या फिर ऐड करना तो ऐड कीजिए, नीचे आया तो और ऐड कीजिए, नहीं आता तो छोड़ दीजिए। इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेरे हिसाब से ये होल्ड करना चाहिए। एक ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, डिप्स आए तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो ज्ञान जी अगर नीचे आया ना 750 के आसपास तब और ऐड करिएगा, अदरवाइज फिर आप इसी पोजीशन पे अभी बने रहिए, इस भाव पे मत करिए ऐड। अगला सवाल है सुबोध कुमार दास का दरभंगा बिहार से, बताइए दास साहब।
नमस्कार जी जी। एक्चुअली मेरा एक बलरामपुर चीनी शेयर है और एक बीसीपीएल रेलवे इंफ्रा शेयर है, तो थोड़ा सा जानकारी लेना है। जैसे बीसीपीएल 147 में लिए हैं 100 शेयर, और बलरामपुर चीनी 150 शेयर 367। ओके गबा सर, पहले बलरामपुर चीनी देखिए। ओके बलरामपुर चीनी थोड़ा डिप पॉसिबल है, जगह है 360 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ट्रेड करा 377, अगर डिप मिलता है तो 360 आता है, रुक सकता है। लॉन्ग टर्म चार्ट ठीक है, लेकिन कुछ महीनों से साइडवेज जोन पर, कंसोलिडेशन पे, तो आई थिंक एक फ्रेश ट्रेंड की जरूरत है। नीचे ऊपर होता रहेगा, ट्रेंड में ही आता, ट्रेड जोन में, तो होल्ड होल्ड है ट्रेड जोन। अच्छा, दूसरा जो इन्होंने लिया है बीसीपीएल रेलवे इंफ्रा, नंबर बताऊं क्या मैं आपको? हाँ प्लीज प्लीज। नंबर है इसका 542057। 542057 बीसीपी यस। सर्किट ऑन द वे अप, सर्किट ऑन द वे डाउन, छोड़ देना इसको। नहीं, इट्स डिफिकल्ट, बेचना चाहे तो बिकता नहीं है, खरीदना चाहे तो खरीदता नहीं, ऐसे स्टॉक में नहीं होना चाहिए। दास साहब सुना आपने? भी नहीं हो पाता और परचेज भी नहीं हो पाता है, यही तो बता रहे हैं गाबा जी। कैसे जी, कि जब यो जो सर्किट टू सर्किट ऊपर नीचे होते ना, तो ना तो बेच पाओगे आप, ना खरीद पाओगे आप जी, उसका फिर कैसे क्या करना होगा? जो जिस दिन ये अपर सर्किट में लगे उस दिन बेच देना, मतलब उल्टा हो सकता है। जैसे आज लोअर पे है ये, तो आप बाई कर सकते हो आज, लेकिन बाई करना नहीं है आपको, तो जिस दिन अपर जाए उस दिन अपना बेच के निकल जाइएगा इसमें से। ठीक है जी, अगला सवाल है सुभाष का, हमारे साथ है राजस्थान से जुड़ रहे हैं। सुभाष जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार, आपका बहुत फैन हूँ मैं, शुक्रिया आवाज का। और सर मेरे पास हनीवेल ऑटोमेशन है, 4-5 साल से ये 35-36 हज़ार से घूम रहा है, कभी 40 हो जाता है, तो चार शेयर हैं, क्या करूं सर? मैं तो डिविडेंड है, मैं कभी बढ़ता है 1,000-2,000 से इतना चल रहा है, 3-4 साल से होल्ड किया, वो एक NHPC है, 102 से खरीदा है मैंने। दूसरा क्या बताया? 400 शेयर है उसके, NHPC 400 शेयर है, 102। ओके, और वो 36 की बाइंग है हनीवेल, 4 शेयर है, पहले 5 थे, एक बेच दिया मैंने कल परसों, 4 थे, 4 है, 36,000 की बाइंग पे है हनीवेल ऑटोमेशन, क्या करना चाहिए दोनों में लॉन्ग टर्म हो सर? जी गाबा सर, हनीवेल ऑटो 4 बचे हैं, इन्होंने एक बेच दिया है, 36,000 की खरीद है और अभी चल रहा है 37,850। अब तो बढ़िया है, स्टॉक अच्छा है, लेकिन लिक्विडिटी थोड़ा इश्यू होता है, क्या करना चाहिए? हाँ। चार सर अभी होल्ड करेंगे? नहीं, होल्ड करना चाहिए, स्टॉक तो बढ़िया है, नथिंग रॉन्ग, फॉर कुछ 37-38,000 का स्टॉक है, कंटिन्यू होल्डिंग है, इसमें वॉल्यूम में कम होते हैं, ये दूसरा जॉबिंग डिफरेंस थोड़ा ज्यादा होता है, आज भी देखा जाए तो 37,851 और 38,290, मतलब जॉबिंग डिफरेंस 300-500 रुपए का है, तो हमेशा इसको, लेकिन इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, कंटिन्यू होल्डिंग इट। हाँ, कंसोलिडेशन जोन पर है, 50,000 जाकर आया इसलिए, और एक बार 50,000 जाकर आएगा तो फिर और हायर जोन देखेंगे, तो बुरा स्टॉक नहीं है। ओके, तो भाई सुभाजी लॉन्ग टर्म के लिए है, तो फिर आप बने रहिए, 4 शेयर अपने होल्ड रखिए, 50,000 एक बार क्रॉस करने दीजिए। अच्छा, दूसरा इनका था NHPC, 102 पे ले रखे हैं 400 शेयर, NHPC 102 पे, नहीं ये होल्ड कीजिए, थोड़ा स्ट्रेच है उसके बाद लिया है उन्होंने, लेकिन आपको मिलना चाहिए NHPC, कंटिन्यू होल्डिंग है, इसको होल्ड करिए। एक और सवाल लेते हैं फटाफट, पुष्कर सक्सेना का पटना से, बताइए सक्सेना जी। मेरे पास ओरेकल फाइनेंस के 40 शेयर हैं, 1,839.80 की दर से, मैं इसका अपर पोटेंशियल जानना चाहता हूं कि ये ऊपर और कहां तक जा सकता है जी, कृपया इस पर मुझे जी। गाबा सर, ओरेकल फाइनेंस बहुत अच्छे प्राइस पे लिया इन्होंने, 1,840 पे, अभी खड़ा है लगभग 8,000 पे, और कितना ऊपर जाएगा? 10,000 कब जाएगा सर ये? 10,000 कब जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन लगता है इसका लक्ष्य 10,000 के करीब। हाँ। और जो अच्छा ब्रेकआउट मूव लगा था करीब 6,000 के आसपास, उसके बाद 6,000 से 7,000 चला गया, तो मेरे ख्याल से अपू ऑन है, इसमें घबराना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से 10,000 का
लक्ष्य होना चाहिए। और जो स्टॉक 10,000 जाता है उसमें स्ट्रेंथ तो होगी, तो आप होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। तो भाई 10,000 की तरफ ये जाएगा पुष्कर जी, लेकिन समय बताना बड़ा मुश्किल है कि ये कब जाएगा, लेकिन जाएगा। और जिस तरह से माहौल इसका बन रहा है यहाँ पे, गावा सर एक सवाल अशोक लीलैंड पे है, इनका नाम बताता हूँ मैं आपको, विकास, विकास कुमार ने अशोक लीलैंड ले रखा है 185 पर, क्वांटिटी 500, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म। वेरी वेरी शॉर्ट टर्म मतलब क्या, एक दिन का माने क्या इनको, आधा घंटा एक हफ्ता मान लेते हैं सर, चलो वेरी वेरी शॉर्ट टर्म एक हफ्ता चलो। सबसे पहले अशोक लेलैंड मेरे पास पोर्टफोलियो में है और मैंने इसको रिसेंटली ट्रेडिंग में भी ऐड किया है रिसेंटली। ओके, तो ये मेरे पास है स्टॉक, मेरे से स्ट्रक्चर ये पॉजिटिव लगता है, अभी बुरे नंबर आए फिर भी ये टूटा नहीं स्टॉक, तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है अशोक लेलैंड। मेरा टारगेट करीब 225 के आसपास का है, तो मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए और वहां ही मैं बेचूंगा, उसके आसपास ही बेचूंगा, तो मैं तो कंटिन्यू होल्ड करता हूं। लेकिन आपका नजरिया बहुत शॉर्ट शॉर्ट टर्म, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म, उसको वेरी वेरी थोड़ा मीडियम टर्म कर दीजिए, मुनाफा मिलेगा। ये अभी साइडवेज जोन पर है अशोक लेलैंड, करीब 8-10-12 हफ्ते से साइडवेज है, लेकिन ये वीक नहीं है स्टॉक, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट और अपना नजरिया बढ़ा लीजिए। और ये अगेन डिस्क्लोज करता हूँ ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में, ये बात ध्यान रखिएगा, ये गावा सर के पोर्टफोलियो में भी है अशोक लेलैंड, तो एक राय किसी और से भी जरूर लीजिएगा। गुरजीत गुलाटी के सवाल लेते हैं, इन्होंने 160 शेयर खरीद रखे हैं देवयानी इंटरनेशनल के आईपीओ के समय 90 रुपए में, क्या करें, होल्ड करें या प्रॉफिट बुक कर लें, क्या करें? आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस आज बहुत बढ़िया आपको मिला है, कंटिन्यू होल्डिंग इट। नहीं सर, देवयानी इंटरनेशनल, ओ सॉरी देवयानी, मेरी गलती हो गई, सॉरी, DEVY, देवयानी इंटरनेशनल, थोड़ी अपर रीजन में थोड़ा सेलिंग प्रेशर था, ट्रेड करा है 158, पॉसिबल है कि 140 भी आ सकता है, 140 के आसपास सपोर्ट है, लेकिन एक लेवल देता हूँ उस पर ध्यान दीजिए 175, ये एक बार 175 निकल गया फिर हायर जो देखेंगे 195, यस अप मूव ऑन है, कह सकते हैं यस देवयानी इंटरनेशनल, बट कंटिन्यू होल्डिंग है, कंटिन्यू करिए इसको होल्ड के। और अमित का सवाल, ये होल्ड कर रहे हैं डेटा पैटर्न्स का, 100 शेयर्स हैं 2,500 के प्राइस पे और लगभग एक साल इनको हो गया होल्ड करते हुए, और दूसरा इनका पर रिको ऑटो है 98 वाला, क्या करें सर डेटा पैटर्न में और फिर रिको ऑटो में? रिको ऑटो की पहले बात करते हैं, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, कंटिन्यू होल्डिंग इट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो 90 है, 98 के आसपास ट्रेड करता है, 110 पार कर ले ऐसा लगता है मुझे, स्ट्रक्चरली लगता है 110 पार कर लेगा और हाई जोन देखेंगे, तो इट्स अ होल्ड रिको ऑटो। डाटा पैटर्न, ये स्टॉक मैंने 560 के आसपास आइडेंटिफाई किया था लेकिन लिया नहीं था, रिग्रेट कभी कभी होता है, लेकिन यस अप मूव ऑन है, 2574 पर ट्रेड कर रहा है, ये लगता है हायर जोन देखेंगे, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, ब्रेकआउट मिला था 2400, कंटिन्यू होगा अप मूव और आना, डाटा पैटर्न्स है इस पर बने रहिएगा। मनीष शर्मा, 5000 शेयर्स पीएफसी 277 पे, पीएफसी हाँ पावर फाइनेंस, यस मैं निकाल लेता हूँ चार्ट पावर फाइनेंस का चार्ट है, यस थोड़ा साइडवेज है क्योंकि बहुत फास्ट दौड़ा है फ्रॉम 250 टू 450, अगर साइडवेज आता है तो नथिंग टू वरी, आई थिंक डिप्स बायबल है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो पावर फाइनेंस का करीब 385 के आसपास है, वहां पर सपोर्ट मिलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, कंटिन्यू होल्डिंग, घबराने की जरूरत नहीं पावर फाइनेंस, घबराने की जरूरत नहीं है पावर फाइनेंस रखिए। अच्छा, एक नमन अरोड़ा का है ऑन मोबाइल ग्लोबल, 3000 शेयर लगभग ले रखे उन्होंने, एवरेज प्राइस 110.64 रुपये लिया तो था शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन अब हो गया है इन्वेस्टमेंट, इसमें ब्रेक डाउन मिला करीब 105 के आसपास, उसमें एक वीकनेस आई, पॉसिबल है कि 75 भी देखने को मिल सकता है, वहां पर शायद एक सपोर्ट है, तो आई थिंक ऑन मोबाइल चॉइस नहीं है, 75 के आसपास एक सपोर्ट मिलना चाहिए, लेट्स होप वहां मिल जाए, अब तो इन्वेस्टर बने रहना पड़ेगा इनको, ये बिल्कुल अब यहां से निकल के जा नहीं सकते। गावा सर रेलटेल के निवेशकों क्या करना चाहिए, आज 13.5% ऊपर है, 482 रुपए का भाव आ गया है रेलटेल में, मैं चार्ट निकल लेता हूँ रेलटेल का, ये रेलटेल, या रेलटेल वाओ ब्यूटीफुल, एक ब्रेकआउट मिला,
मिस हो गया मुझसे, लेकिन बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। अब ये 500 की तरफ जाएगा, वहां पर रुकेगा नहीं, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इस पे जब भी कोई करेक्शन आई है, तीन बार आई है, वो करेक्शन अब्जॉर्ब हो रही है, तो अपू फिर एक अपू मिलता है। रिटेल यस इट्स गुड, इट्स अ होल्ड। कवाज लास्ट क्वेश्चन, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 3% नीचे, कल इसमें बड़ी तेजी थी, आज 3% नीचे 1140 पर है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, यस मिल गया मुझे, आज 3% नीचे क्योंकि कल बहुत बढ़िया आपको मिला। ये साइडवेज जोन पर ट्रेडिशनली यहाँ पर रेसिस्टेंस आया 1250-1260 के आसपास, तो यहाँ पर 1200 का जोन है, यहाँ पर इसलिए रेसिस्टेंस आया, लेकिन सपोर्ट 1080 के आसपास है। डिप मिलेगी, वीक स्ट्रक्चर नहीं है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अपमो मिलना चाहिए और अपना नजरिया थोड़ा लंबा कर देना चाहिए, मुनाफा मिलेगा अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। ओके, नजरिया थोड़ा लंबा करें तो इस पर मुनाफा मिलेगा। गाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। डिस्क्लोजर याद रखिएगा जो गाबा सर ने अपने स्टॉक में दिया था शोकली लैंड में। फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप देखिए खिलाड़ी नंबर 1।